हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक चीज़ कॉमनली ऑब्ज़र्व की है कि जो लोग लाइफ में थोड़े से अच्छे लेवल पे नहीं होते, ज़्यादा वेल टू डू नहीं होते, ज़िंदगी में ज़्यादा पैसे नहीं कमाया हुआ होता, उनका जो लाइफ के बारे में पर्सपेक्टिव है ना, वो बहुत महदूद होता है। उनका जो दूसरे की सैलरीज की, लेट से अगर मैं बात करूँ कि यार दुबई में या पाकिस्तान में कितनी सैलरीज मिलती हैं या किस लेवल पे कितनी सैलरीज हो सकती हैं, उनका उस बारे में कोई पर्सपेक्टिव नहीं बना हुआ होता। एज यू नो, आई बीन लिविंग इन दुबई सिंस लास्ट 15 ईयर्स। इन 15 सालों में मैं बहुत लोगों से मैंने बातचीत की जो इतने वेल टू डू नहीं हैं, जो इतने ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं हैं, अच्छी सैलरीज पे नहीं है, मतलब 1500, 2000, 2500, 3000 दरम फॉर एग्जांपल यहाँ पे हैं, कोई मोबाइल शॉप में काम कर रहा है, कोई कई काम कर रहा है, उन लोगों के लिए जो मैक्सिमम सैलरी है ना यहाँ पे, मैक्सिमम वो है 6000, 8000, 10000 दरम मैक्सिमम सैलरी। ऑब्वियसली अगर आप जैसे पाकिस्तान की मैं मिसाल दूं, कोई बंदा 1 लाख या 2 लाख रुपए पे काम कर रहा है, उसको 5 या 6 लाख रुपए बोलो तो बोलेगा यार ये तो बहुत ज़बरदस्त सैलरी है, अमेजिंग सैलरी है। आप उसको कोई आइडिया नहीं होगा कि भाई अगर आप रियली सैलरीज की बात की जाए कि दुनिया में क्या सैलरीज प्रिवेल कर रही हैं, वो तो कोई 10 टाइम्स 20 टाइम्स मल्टीपल में भी लोग पैसे कमा रहे हैं जाके। अभी ऐसी कन्वर्सेशन मेरी एक बंदे के साथ हुई, अभी मैं एक मोबाइल शॉप पे आया हुआ था और मैं उससे कुछ परचेज करना था कोई कुछ मुझे, तो उससे ऐसी बात हुई, तो हो सकता उसने ऐसी कोई बात निकली हमारी, तो उसने कहा शायद आपकी सैलरी 10000 दरम से भी ज्यादा हो। पर्सपेक्टिव की बात बता रहा हूं कि कितना लिमिटेड पर्सपेक्टिव है। और मैं जिस ऑफिस में काम करता हूं तो मेरी फ्लोर में ही शायद कुछ कोई 30 से 40 लोग ऐसे बैठते होंगे सिर्फ मेरी फ्लोर के ऊपर, जो मेरी छोटी सी फ्लोर है, कि जिनकी तमाम की सैलरी 50000-60000 दरम से ज्यादा है, सिर्फ मेरी फ्लोर पे ऐसे लोग बैठते होंगे। और मतलब तो मैं सोचता हूं कि यार देखो, जब आपका पर्सपेक्टिव कितना लिमिटेड है। और ये फिर ये वीडियो आज मैं इसलिए बना रहा हूं कि यही चीज मुझे पाकिस्तानियों के साथ भी नजर आती है कि जब वो यहाँ पे आते हैं ना, लाइफ का स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव तो लेके आते नहीं है। तो जब उनकी सैलरी लगती है पहली 3000, 4000, 5000, मैं हमेशा समझाता हूँ, योर फर्स्ट सैलरी इज नॉट द सैलरी दैट यू डिजर्व, ये स्टार्टिंग सैलरी आपकी जो आपको इसलिए ऑफर हो रही है बिकॉज यू डोंट हैव एनी लोकल मार्केट एक्सपीरियंस। कुछ सालों के बाद जब वो लोकल मार्केट का एक्सपीरियंस आ जाता है तो आप बहुत आगे चले जाते हैं, बहुत जबरदस्त सैलरी हो जाती है। लेकिन और अगर उनसे बहुत ज्यादा सैलरी की भी सोचा जाए ना, तो वो ज्यादा ज्यादा बोलेंगे 8000, 10000, 12000, 15000। यार पीपल आर मेकिंग क्रेजी टैक्स फ्री सैलरीज ओवर हियर, क्रेजी टैक्स फ्री सैलरीज, बट लोगों को कोई आइडिया नहीं है। क्यों? क्योंकि हाई अचीवर्स तक एक्सेस नहीं है। क्यों? कभी किसी टॉप क्लास बंदे से बात ही नहीं की है जो एक जबरदस्त पैकेज पे काम कर रहा है, एक जबरदस्त सैलरी के ऊपर कोई काम कर रहा होगा, आपने कभी बात ही नहीं की उन लोगों से, तो आपको आइडिया भी नहीं कि पैकेजेस कितने हैं दुबई के अंदर, सैलरीज कितने, नॉट ओनली इन दुबई, इन पाकिस्तान एज वेल। मैं एक चीजों को पर्सपेक्टिव में डालने के लिए एक बात करता हूं कि आपको पता है मैं कंसल्टेशन सेशंस वगैरह देता हूं, अच्छे खासे 150-200 कंसल्टेशन सेशन दे चुका हूं। मेरे सेशन देने के बाद जो बंदा अभी तक सबसे हाईएस्ट सैलरी पे दुबई में आया है वो है 20,000 दिरहम्स, सेशन लिया और 20,000 दिरहम। वो बंदा खुद भी बहुत अच्छा था, बहुत जबरदस्त बंदा था, और फिर जो एक डायरेक्शन देनी थी उसको कि क्या करना है, कैसे क्रैक करना है जॉब ऑफर, वो मैंने दे दी, बंदा 20,000 दिरहम पे आया। एक और बंदा 15 से 16 हजार दरम पे आया, एक और बंदा 12 हजार दरम पे आया। ये मैं उन लोगों की बात करूं जिन्होंने मुझसे सेशन लिए हैं। खैर, कहने का सिर्फ मकसद ये है जाके कि अपनी लाइफ का जो पर्सपेक्टिव है ना, वो आप लोग अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से या करंट सिचुएशन के हिसाब से ना बनने दें। ठीक है, दुनिया में बेतहाशा पैसा है, बेतहाशा सैलरीज है, दुबई हो, पाकिस्तान हो या कोई भी जगह हो, बेतहाशा पैसा है, लोगों की बेतहाशा सैलरीज हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कॉम्पिटेटिव हैं, आप कितने स्मार्ट हैं। दैट्स इट, दैट इज द नेम ऑफ द गेम। इफ यू आर कॉम्पिटेंट, इफ यू आर स्मार्ट, इफ यू आर कॉम्पिटेटिव, स्काई इज द लिमिट फॉर यू, एंड आई कैन टेल यू दैट।